पंडित जी ने मुझे बताया था कि कुछ समय बाद मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, और वैसा हुआ भी। फिर सभी ज्योतिष शास्त्र को पाखंड क्यों बताते हैं? ज्योतिष शास्त्र को पाखंड नहीं कहा जाता, पाखंड तो लोग करते हैं, ज्योतिष शास्त्र तो ठीक है, लेकिन जो बताने वाले हैं उनमें कुछ पाखंड कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, वो पूरा नहीं जानते हैं, वो गलती भी बता सकते हैं, ये नहीं है। तो लोग गलत कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र गलत नहीं है। अपने आप को ज्योतिषी कहने वाले वो गलत कर सकते हैं, वो अनजान हो सकते हैं ज्योतिष शास्त्र से, वो ढोंग पाखंड कर सकते हैं, वो झूठ मूठ कर सकते हैं, वो तुमको लूट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके छोड़ो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमारा गलत नहीं है। ये हमारा शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, ये वेदांग है, वेद का अंग है। मैं बता सकता हूं, जबकि मैं ज्यादा नहीं जानता ज्योतिष, लेकिन ज्योतिष के आधार पर मैं बता सकता हूं आपके जीवन में कब एक्सीडेंट हुआ था, हुआ था, आगे वाली बात नहीं, आगे तुम कह सकते हो क्या पता होगा कि नहीं होगा, जो घटना घट चुकी है वो भी मैं बता सकता हूं। कुछ एक बातें बिल्कुल सटीक, लेकिन यदि कोई जानना समझना चाहे तो सामुद्रिक शास्त्र है, समुद्र में मोती है लेकिन सबके हाथ थोड़ी लगेंगे, तुम डुबकी लगाओगे तो हाथ मोती नहीं लगेंगे, उसके लिए विशेष गोताखोर चाहिए। ऐसी ज्योतिष शास्त्र समुद्र के समान है, ज्योतिष शास्त्र हमारा ऐसा विचित्र शास्त्र है कि चमत्कृत कर देगा आपको। ज्योतिष शास्त्र की बात है, अब ये ग्रह नक्षत्र अब कब ग्रह पड़ेगा ये कौन बताएगा? हमारे पंडित लोग कोई उसको इसरो को थोड़ी पूछते हैं, वैज्ञानिकों को थोड़ी पूछते हैं कि आने वाले समय में सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो बताते हैं कब सूर्य निकलेगा, किस तारीख को, कब अस्त होगा, ज्योतिष शास्त्र बताता है, बिल्कुल वो सच्ची बात होती हो। आप अभी जंत्री लेके देख लो आज का सूर्य कब अस्त होगा, और ये साल पहले ये जंत्रियां छप जाती हैं, तो आज की डेट देख लो ज्योतिष शास्त्र में, अपना जंत्री उठा के देख लो आज का सूर्य कितने बजे अस्त होगा, और देखना उतनी बजे अस्त होगा, तो ज्योतिष शास्त्र गलत कहे हैं। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, किस किस देश में दिखाई देगा, कितने समय तक पड़ेगा, ये सारा हमारा जंत्री में पहले से ज्योतिष आचार्य लिख देते हैं, वो बिल्कुल उसी समय सूर्य ग्रहण होता, कब गलत है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र पाखंड नहीं है। हाँ, जो ज्योतिष शास्त्र का नाम पर पाखंड कर रहे हैं वो पाखंडी हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र हमारा पूर्ण सत्य ग्रंथ है, यही तो हमारे सनातन धर्म के पास सबसे बड़ा चमत्कार है। पाश्चात्य वैज्ञानिक इसी बात से तो हैरान है कि जब गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था, उस समय भी हिंदुओं के ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जंत्रियां छप जाती हैं एक साल पहले अमुक तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, तो पहले लोगों को कहां पता होता था, विदेशियों को, कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, उनके पास था ही नहीं है शास्त्र ज्योतिष शास्त्र, तो केवल सनातन धर्म के पास था। वो तो गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया तब उनको थोड़ा ग्रह नक्षत्र के बारे में हल्का फुल्का पता चला, उनके ग्रंथों में तो बात है ही नहीं, ना बाइबल में तो ना कुरान में बात है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र में। तो जब टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने नहीं किया था, उससे भी पहले हमारे यहाँ जंत्रियां होती थी, और जंत्रियों के हिसाब से पता चल जाता सूर्य ग्रहण कब है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक उसमें रेखा में कब आएंगे, ये हमको पहले पता चल जाता था ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। इसलिए आज से 5000 साल पहले सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से श्री कृष्ण, मथुरा वृंदावन ब्रज से नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी, और पूरे देश के ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए, लिख देखो हमारे ग्रंथों में कथा आती है, और यहाँ राधा कृष्ण का 100 साल के बाद मिलन हुआ सूर्य ग्रहण के अवसर पर। तो सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो उस समय तो टेलीस्कोप नहीं थे, वैज्ञानिक नहीं थे, तो कैसे लगा पता हमको कि सूर्य ग्रहण अब की बार पड़ रहा है, और सब संत यहाँ इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र में, तो ये ज्योतिष शास्त्र से पता चलता है। तो ज्योतिष शास्त्र हमारा, हमारे ज्योतिष शास्त्र तो हम कब से बता रहे हैं कि बृहस्पति पीले रंग का है, ज्योतिष शास्त्र हमारा लाखों करोड़ों सालों से बता रहा है मंगल लाल रंग का है, तो कब झूठ है, कब ये पाखंड है ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र हमारा झूठ नहीं है, ज्योतिष शास्त्र के नाम से जो ढोंग पाखंड फैला रहे हैं वो ढोंग ही पाखंडी हो सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने आज भी अच्छे से सटीक उत्तर देने वाले ज्योतिष आचार्य आज भी आपको एक नहीं बहुत मिल जाएंगे।
इसलिए कभी भी ज्योतिष शास्त्र को ढोंग पाखंड नहीं कहना चाहिए।